हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा रविदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। रोज की तरह आशा है आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे भक्त के घर आए स्वयं ठाकुर जी और कीर्तन अनुष्ठान का सारा खर्चा उन्होंने भक्त को दान किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए लीला कथा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। 24 परगना में रहने वाले मनमोहन जी, जो कि ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, उनके घर में बरसों से लड्डू गोपाल जी का सेवा होता था। पहले उनकी दादी लड्डू गोपाल जी का सेवा करती थी, फिर उसकी माँ लड्डू गोपाल जी का सेवा करती थी, और अब उनकी पत्नी लड्डू गोपाल जी का सेवा करती है। और ऐसे ही परंपरा के अनुसार लड्डू गोपाल जी का सेवा उनके घर में हो रहा है। बरसों से ही लड्डू गोपाल जी उनके दुलारे हैं। हर कोई लड्डू गोपाल जी को पूजा करते हैं और उनके बिना उनका जीवन अधूरा है, वो ऐसा कहते हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनसे जितना हो सकता है उतना ही वो ठाकुर जी का सेवा करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन के कारण हर किसी के जीवन में अंधकार सा छा गया था, क्योंकि काम काज सब कुछ बंद हो गया था, जिस कारण से सबको बहुत ज़्यादा ही कष्ट सहना पड़ा। जब इंसान का रोजगार ही बंद हो जाता है, तब इंसान सबसे ज़्यादा खराब परिस्थिति में आ जाते हैं, और मनमोहन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मनमोहन जी के घर में भी लॉकडाउन के कारण दाना पानी ही बंद होने का अवसर हो गया था। जो घर एक दिन खुशियों से भरा था, आज वही घर में परेशानी आने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उन्हें सदा ही ठाकुर जी के ऊपर भरोसा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा उस दिन मैं घर पे ठाकुर जी का नाम संकीर्तन और भंडारा फिर से करूँगा। लेकिन हम सब जानते हैं दिन ब दिन परिस्थिति कितना खराब हो रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, हमें सब कुछ सहन करना ही पड़ता था। और ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत गया था। इस कोविड ने हमारा 1-2 साल पूरा बर्बाद कर दिया था। एक तरफ काम नहीं है, दूसरी तरफ खाना नहीं है, लेकिन क्या करें। मनमोहन जी इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब जो होगा ठाकुर जी देख लेंगे और हर परिस्थिति को उन्हें ही संभालना पड़ेगा। यही कहकर वो ठाकुर जी के पास चले गए और उनके चरणों में अपना माथा ठोकने लगे। रोते रोते वो कब लड्डू गोपाल जी के पास सो गए उन्हें समझ में ही नहीं आया। तभी उन्होंने एक सपना देखा, जिस सपने में ठाकुर जी ने उनसे कहा, इस परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो, सब लोग इस परिस्थिति के कारण ही कष्ट भोग कर रहे हैं, और सारे इंसानों का कष्ट तुम्हें दूर करना होगा, इसीलिए कल ही तुम अपने घर में कीर्तन करो और सारे लोगों को भोजन कराओ। मनमोहन जी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी ये आप क्या आदेश मुझे कर रहे हैं, मैं खुद एक लाचार इंसान हूँ, मेरा खुद अपना ही खाना नहीं मिल रहा है, हमेशा यही सोचता हूँ कैसे अपने परिवार का पेट भराऊं, और आप कह रहे हैं कल मैं घर पे संकीर्तन करूं और सबको भोजन कराऊं, ये कैसे हो सकता है प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, किससे मैं उन्हें भोजन कराऊं। तब ठाकुर जी ने उनसे कहा, ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम बस कीर्तन और भोजन कराओ, बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ठाकुर जी का ये बात सुनते ही मनमोहन जी का नींद टूट जाता है और वो अपनी माँ और अपने पत्नी से सब कुछ कहते हैं। तब उनकी माँ और पत्नी उनसे कहती हैं, अगर ठाकुर जी ये आदेश दे रहे हैं तब तो कोई ना कोई कारण ज़रूर है, इसीलिए कल हम ज़रूर घर पे कीर्तन और भोजन कराएंगे। तभी मनमोहन जी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमारे पास अभी एक भी पैसा नहीं है, कैसे हम ठाकुर जी का भोजन कराएंगे।
तब मनमोहन जी की माँ उनसे कहती है, मेरे पास एक सोने का चूड़ी है, उसे ही तुम बेच दो और ठाकुर जी का आदेश पूरा करो। मनमोहन जी कहते हैं, ठीक है, अगर ठाकुर जी का आदेश पूरा करना है तब तो ये हमें करना ही पड़ेगा। और यही सोचकर वो अगले दिन अपने माँ के पास सोने का चूड़ी लेकर बाजार में चले जाते हैं। जब वो उसे बेचने के लिए दुकान में जाते हैं, तब उस चूड़ी का मोल भाव सब कुछ उन्होंने कर लिया था। तभी उनके जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना। मनमोहन जी जिस दुकान पे गए थे, वहाँ पर दुकान का मालिक आता है, जिनके हाथों में एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी होते हैं। उन लड्डू गोपाल जी को देखकर मनमोहन जी को बड़ा ही अच्छा लगता है। वो मालिक वहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल जी का गहना या आभूषण बनाना था। जब मनमोहन जी लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, तो उन आदमी को मनमोहन जी का ये ठाकुर जी के प्रति भाव बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे पूछते हैं क्यों वो इस दुकान में आए हैं। तब वो उन आदमी से कहते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी के आदेश से आज कीर्तन और भोजन कराया जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने माँ का चूड़ी बेचने आया हूँ। जब वो भले इंसान मनमोहन जी के मुख से ये बात सुनते हैं, तब वो इंसान मनमोहन जी से अच्छे से ठाकुर जी का सारा बात पूछते हैं। और तब मनमोहन जी अपने सपने के बारे में उन दुकान के मालिक को सब कुछ बताते हैं। और दुकान के मालिक भी जब मनमोहन जी से ये सारा बात सुनते हैं, तो वो मनमोहन जी से कहते हैं, आप ठाकुर जी का भोजन कीर्तन कराना चाहते हो, इसलिए आपको माँ की चूड़ी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी के भोजन में और कीर्तन में जो भी खर्चा होगा, वो मैं स्वयं तुम्हें देता हूँ। तुम अभी मेरे साथ बाजार चलो और तुम्हें जो लेना है तुम खुद ले लेना। यही कहकर मनमोहन जी को वो भला इंसान अपने साथ बाजार में लेकर जाता है और कीर्तन और प्रसाद के लिए जो भी चीज़ या सामग्री लगता है वो सब कुछ खरीद कर देता है। मनमोहन जी भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है ये सब हो क्या रहा है। एक क्षण के लिए उन्हें लगता है, क्या ये ठाकुर जी हैं जो कि मुझे सहायता करने यहाँ पर आए हैं। और वो उन भले इंसान से पूछते हैं, क्यों आप मेरी सहायता कर रहे हो। तब वो इंसान मनमोहन जी को कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी आपके अकेले थोड़ी ना है, वो मेरे भी तो है, इसीलिए अगर ठाकुर जी का आदेश है कि वो कीर्तन और भोजन कराना चाहते हैं, तब तो आपके साथ साथ ये मेरे लिए भी आदेश है, इसीलिए मैं आपका सहायता कर रहा हूँ। यही कहकर सारा सामग्री ही उन्हें खरीद कर देते हैं और मनमोहन जी उसे घर पर लेकर आते हैं और बहुत ही धूमधाम से ठाकुर जी का भजन कीर्तन और सभी लोगों को भोजन भी कराते हैं। चाहे वो इंसान कोई भी हो, लेकिन मनमोहन जी और उनके घर परिवार के सब लोग ये मानते हैं कि वो स्वयं ठाकुर जी ही थे और वो मालिक के रूप धारण करके हमारे पास हमारा सहायता करने आए थे। और सपने में भी तो ठाकुर जी ने उनसे कहा था, तुम भजन और संकीर्तन करो, बाकी सब कुछ मैं कर दूंगा, इसीलिए शायद ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया। आपको क्या लगता है, कौन थे वो इंसान? मनमोहन जी के तरह क्या आपको भी लगता है वो स्वयं ठाकुर जी थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी भक्त के दुखों को सहन नहीं कर पाते और भक्त को सहायता करने वो हमेशा ही आ जाते हैं। और ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है लड्डू गोपाल जी का कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।